ये जो डाल रहे हैं वो 3 बालू डालने का, 3 बालू। अभी एक डाला, ये हो गया 2। ये हो गया 3 बालू। बोले तो लाल रेत रहती है ना, वही जो नदियों में से निकलती है वही रेत। अभी ये बेबी रान, बोले तो गिट्टी। एक डाला, अभी ये दूसरा, और नीचे देखो मोल्ड की भी फोटो आ रही है, कम से कम 2-4 मोल्ड है। अभी ये तीसरा डाला, बालू 3 गिट्टी। ओके, और 50 केजी जो सीमेंट रहता है ना, उसमें से आपको कम से कम आपको 1.5 बकड़ियाँ, बोले तो जैसे 3 डाला वैसे 1.5 डाल सकते हो, और 1.5 से कम भी डाल सकते हो, एक और थोड़ी। ओके, ये अभी खाद लगा रहा है, जैसे सीमेंट तीनों मिक्स करने का रहता है, बिना पानी डाले, उससे पानी नहीं डालना है। ऐसे ही देखो अभी खाँचना शुरू कर दिया है, ऐसे थोड़ा खाँच लेने का। वो जो उसमें मिट्टी रहती है ना, काली मिट्टी, उसको निकाल देने का। और ये अभी देखो एक बार खाँच दिया, सब माल एक बार ऐसे इकट्ठा कर लिया। फिर अभी देखो दूसरी बार ऐसे खाँचने का, वो भी बिना पानी डाले, उसमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही बस। एक बार यहाँ लेना, दूसरी बार जहाँ पे था वहीं पे ले लेना है बस। अभी देखो 2 बार खाँचने के बाद ऐसा कुंडा करने का, कुंडा करने के बाद अपने हिसाब से पानी डालना है, जो कि बालू गीला हो तो थोड़ा कम पानी डालना है। पानी डालने के बाद देखो ऐसे खाँचने का, ऐसा एक बार खाँचने का बोले तो पानी डालने के बाद ऐसे एक बार इकट्ठा कर लेने का। देखो पूरी तरह से माल, और फिर एक बार हो जाए तो ऐसा लग रहा है कि माल में थोड़ा पानी चाहिए था डालने का। 3 बार ऐसे खाँच दिया, वो जो टिकली था उसको इकट्ठा किया। अभी 4 बार ऐसे खाँच दिया, जो चौथी बार खाता वो दिखाया नहीं, वो ये रांझा है, जो इसको बोलते रांझा, वो मिट्टी के तेल में मिक्स करने का रहता है। मिक्स कर रहे हैं देखो, उसको मिट्टी के तेल में मिक्स करने का, जो केरोसिन रहता है ना उसके अंदर डालने का रहता है। और जो मोल्ड में अभी मिट्टी का तेल लगा रहे है, जो दिख रहा है वो मिट्टी का तेल है। मिट्टी का तेल डालने के बाद अच्छे तरह से लगाने का, कहीं पे बाकी ना रहे ऐसे। उसके बाद माल डालना है, सीमेंट का जो अपने बनाया ना माल, वही माल इसके अंदर डाल देना है। फिर वाइब्रेटर चालू कर देना है, वाइब्रेटर चालू करने के बाद थोड़ा अच्छी तरह से ऊपर ले लेना है, सब जगह पे अच्छी तरह से माल रखना है। फिर जो 3 एम राड रहता है, 3 एम राड को अच्छी तरह से सीधा करके 3 रखना है, 3 6 फिट लेंथ वाला और 3 1 फिट लेंथ वाला उसके रखना है। उसके बाद आपको माल डालना है, फिर आपको ऊपर से माल गिरेगा, इसीलिए थोड़ा अच्छा करके वाइब्रेटर चालू करने के बाद ऊपर फिनिशिंग लगाने का। देखो अभी ऊपर फिनिशिंग हो रहा है, फिनिशिंग करने का अच्छी तरह से उसको।
देखो फिनिशिंग हो गया है उसके ऊपर। अभी जो उसका ताती माला जो आप बोलते हो उसको ऊपर अच्छी तरह से लगा रहे हैं। अभी ऑयल लगा रहे हैं क्योंकि जो सुबह में अच्छी तरह से उठ जाएगा, इसीलिए जो ऑयल नहीं लगाओगे या जो उसके ऊपर पीछे पेपर नहीं लगाओगे आप उल्टा करोगे तो सुबह उठेगा नहीं। अभी देखो उल्टा कर रहा है, उल्टा करने के बाद तुरंत उठा लेना है, तुरंत 1 मिनट में। देखो कम से कम माल रेडी हो गया है, इसको फोटो है तीनों का, ऐसे तीन बड़े